नमस्कार, मैं हूं आरती। विदेशों में बसने की चाहत अक्सर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ 311 भारतीयों के साथ, जो मेक्सिको बॉर्डर के जरिए अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से एंट्री तो नहीं मिली बल्कि उनके पूरे जीवन की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। और इन लोगों की वजह से भारत को जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी वो अलग। मेक्सिको ने इन सभी भारतीयों को वापस भारत डिपोर्ट कर दिया। दरअसल ये सभी भारतीय मेक्सिको बॉर्डर से अमेरिका की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने एजेंट्स को अच्छी खासी रकम भी चुकाई थी। इन सभी को मेक्सिको बॉर्डर के पास पकड़ा गया, जिसके बाद मेक्सिको ने इन्हें बोइंग 741-400 चार्टर्ड विमान से दिल्ली के लिए डिपोर्ट कर दिया। ये सभी भारतीय शुक्रवार सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। मेक्सिको के नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट की ओर से ये जानकारी साझा की गई। इसके मुताबिक जिन प्रवासियों को वापस भेजा गया है वे 60 फेडरल माइग्रेशन एजेंटों के जरिए यहां पहुंचे थे। हमारी जानकारी में पता चला है कि इनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। नियमित तौर पर रहने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होने की बात भी ये पिछले कई महीनों से यहां पर रह रहे थे। माइग्रेशन इंस्टीट्यूट के मुताबिक पकड़े गए सभी भारतीयों को पहले अथॉरिटी के सामने पेश किया गया, जहां जांच में पता चला कि इनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। खबरों की माने तो इन लोगों ने अमेरिका में घुसने के लिए एजेंट्स को 25 से 30 लाख रुपए तक दिए थे। एजेंट्स ने इन्हें मेक्सिको बॉर्डर के जरिए अमेरिका में घुसने और वहां पर नौकरी दिलाने का भी वादा किया था। इस रकम में हवाई यात्रा के साथ ही मेक्सिको में रुकने की व्यवस्था और खाने पीने का इंतजाम भी शामिल करने की बात कही गई थी। इन लोगों से वादा किया गया था कि एक हफ्ते से एक महीने के बीच इन सभी लोगों को अमेरिका में प्रवेश दिला दिया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका और मेक्सिको में अवैध प्रवासियों को लेकर पहले से ही काफी विवाद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको बॉर्डर पर एक दीवार बनवाने की बात भी कह चुके हैं। इसी साल जून में ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि अगर मेक्सिको ने अपनी सीमा में प्रवासियों को घुसने से रोकने पर लगाम नहीं कसी तो वो अपने देश से आयात होने वाले सामान पर अतिरिक्त सीमा शुल्क भी लगा सकते हैं। इसके बाद ही दोनों देशों में इस बात को लेकर सहमति बनी थी कि मेक्सिको अपनी सीमा पर सुरक्षा को और कड़ी करेगा और प्रवासियों को वापस भेज देगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।